बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की रात भारी बारिश हुई, बादल फटा और इसके बाद अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 41 लोग अभी भी लापता है। कुल्लू, मंडी और शिमला के रामपुर में प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। तस्वीर आपके सामने, कितने बुरी तरह से आग पर कहर बरपाया कुदरत ने। 31 जुलाई की भारी ये रात रही, भारी बारिश रही और बादल फटा, ऐसे में 13 लोगों की तो मौत हुई है, साथ ही 41 लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है। लगातार कुल्लू हो या फिर मंडी, शिमला के रामपुर में प्रशासन जुटा हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी क्षतिग्रस्त केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। रविवार को केदार घाटी से 1300 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें पिछले 4 दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों को यहां से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम में अभी भी बताया जा रहा है कि 250 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और साथ ही मालेगांव के साथ गुजरात के नवसारी, वलसाड और डांग जिले में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात की, पानी का प्रहार महाराष्ट्र के नासिक हो, पुणे हो या फिर मालेगांव, इसके साथ साथ गुजरात के नवसारी, वलसाड और डांग जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जो खास तौर पर वहां पर मौजूदा लोग हैं, यानी कि जो लोकलाइट्स हैं वहां, उनके लिए पूरी तरह से जीवन प्रभावित हो चुका है। असम